और ब्लैकलिस्ट के बाद बड़े हैवी अमाउंट उनको पे कर दिए गए हैं, जिसकी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं है, उनसे वो वापस आएगा नहीं आएगा। उतना पैसा काश आपने हमारे इंचार्ज या सीईओ के अधीन खर्च कर दिया होता तो आज क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस डिफरेंट होती। इसलिए इस बार प्रांतीय चिकित्सा सेवा बहुत सीरियस मामले में है और बहुत ही संजीदा से इस विषय को लेता है और उसके लिए हो सकता है किसी भी आर पार तक जा सकता है। वोट कर देने की बात कर रही है, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले पर्वतीय क्षेत्र के उन अस्पतालों को पीपीपी मोड पर देने का काम करे जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उसको दे ताकि वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर आ सके। अब मैदानी क्षेत्र में जहाँ डॉक्टर अस्पतालों को संचालित करने का काम कर रहे हैं, यदि उनको पीपीपी मोड पर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कोई लाभ जो है प्रदेश के लोगों को नहीं मिलने वाला। डोईवाला के अंदर आप देख लीजिए, डोईवाला का अस्पताल आपने पीपीपी मोड में दे दिया, अगर आपको देना ही था अस्पताल पीपीपी मोड पे तो देते आप चमोली और पिथौरागढ़ के सुदूर क्षेत्र के अस्पतालों को, आपने करा। स्वास्थ्य सेवाएं आपके सामने है, राजधानी में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, मुख्यमंत्री के पास मंत्रालय है और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि कोई जो है स्वास्थ्य सेवा में सुधार नहीं हो पा रहा, हालत बद से बदतर होती जा रही। अब एक नया सड़क उपाय छोड़ दिया गया पीपीपी मोड में, पहले वो कह रहे थे हम श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को जो है आर्मी को देने जा रहे हैं, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सब जुमलेबाजी।